Hi guys, welcome to MH Law CT 3 years 23 preparation video. CD cell ने date release कर दिया, that is nothing but 2nd and 3rd of May. Now how to start your preparation? Many students are panic and second चीज आप जितने बहुत लोग का ग्रेजुएशन बोर्ड का एग्जाम भी है तो उसको भी बैलेंस करना है. अप्रैल मंथ में आइडली अपना महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम होगा, सो हाउ टू बैलेंस बोथ दी प्रिपरेशन इन दिस वीडियो विल डिस्कस. ओके, सो वेरी फर्स्ट, ये जो परसेप्शन है लोगों के माइंड में कि डेट एक्सटेंड होगी मे का, तो मैंने इसको लेकर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि 2 वीक से आपका डेट एक्सटेंड हो. ठीक है, बिकॉज लास्ट 3-4 ईयर्स का जो मैंने डेट बताया आपको लास्ट वीडियो में मेरे, उसमें कभी भी एग्जाम 1st, 2nd, 3rd मे को नहीं हुआ है. तो मे एंड पकड़ के चलो, या तो मे 20th के बाद प्रोबेबली पॉसिबल है कि आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड हो. ठीक है, बट डिस्क्लेमर कि भाई ये डेट श्योर नहीं है कि एक्सटेंड होगी, हो सकता है कि ऑन टाइम भी ले लेवे, तो अपन रेडी रहते हैं कि हाँ ये डेट को एग्ज़ाम है 2nd, 3rd May को. अगर एक्सटेंड हुई तो वो बोनस डेज होगा अपने पास पढ़ाई को लेके. अपन उसमें स्ट्रैटेजी क्या करना है, प्लानिंग क्या करना है, वो फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसको लेके. ठीक है, बट अभी के लिए ये डेडलाइन लेके चलो. वो इलॉन मस्क का जो डायलॉग है ना, वो बॉस इस यहाँ पे वर्क करेगा कि जो भी आपको अचीव करना है, आपका टारगेट सेट कर दो, प्लानिंग रेडी कर दो, और ये मान लो कि आपको ये 3 महीने में अचीव करना है. ठीक है, देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी जो 3 महीने में अपने टारगेट को सेट कर दिया, प्लानिंग सेट कर दी, अब उसके लिए चालू कर दिए. उसमें से अगर 1 पर्सन ने ये सोचा उसको कि ये जो 3 महीने का काम है मैं इसको 1 महीने में करूँगा, और ये बंदा जो सोच रहा है वो 3 महीने में ही सोच रहा है करूँगा, तो ये जो 1 महीने में सोचने वाला है ना, ये बहुत आगे होगा इस पर्सन से. सेम चीज़ है यहाँ पे भी. ठीक है, बिकॉज आप ऑब्वियसली अपना टारगेट तक नहीं पहुँचोगे, बट काफ़ी डिसेंट लेवल तक आप पहुँच जाओगे. ठीक है, सो वैसे ही डेडलाइन लेके चलो कि 2nd, 3rd May को एग्ज़ाम है, फोड़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे. तो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सेक्शन आपका गेम चेंजर होने वाला है एग्ज़ाम में, और सीट्स अपने को, एंड कॉलेज वाइज ऑब्वियसली GLC मुंबई एंड ILS पुणे कॉलेज सबका टारगेट है ये. ठीक है, स्पेसिफिकली जितने लोग आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, भाई आपका टारगेट 125 से 130 का लेके चलना. आपके लिए सीट्स कम है और कट ऑफ ज़्यादा है, तो यू नीड टू फाइट हार्ड टू अचीव दिस टारगेट. ठीक है, वेरी फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दी सिलेबस पार्ट, कि सिलेबस क्या क्या आएगा आपका. ठीक है, बट बिफोर दैट, क्लासरूम एंड लाइव बोथ दी बैचेस वी हैव लॉन्च एट मेनूवर. सो क्लासरूम, अगर आप मुंबई बेस हो, दादर, बोरीवली, वसई, यू कैन विजिट फॉर द क्लासरूम कोचिंग. बट इफ आर नॉट मुंबई बेस, यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन लाइव क्लास. दिस इज व्हाट द नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट, आवर टीम विल हेल्प यू विद रिगार्ड्स टू दी बैचेस. एंड डू टेक द एक्सेस ऑफ ऑल द वीडियो लेक्चर्स, हैंड आउट्स, मॉक. एटलीस्ट आपकी इस करिकुलम से प्रिपरेशन चालू करो. इसके अंदर पूरे वीडियोज़ दिए हुए हैं, लीगल देख के ख़त्म करो, इंग्लिश देख के ख़त्म करो वीडियोज़, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चंस. तो ये जो भी बैच आप ज्वाइन कर रहे हो, ये सारे एक्सेस मेक श्योर आप ले लेना, बिकॉज ये अभी काफ़ी हेल्पफुल होगा. उसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है इस वीडियोज़ को. ठीक है, वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस. ऑलराइट, सो वन बाय वन वी लुक एट कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर MH लॉ CET. सो वेरी फर्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉजिकल रीजनिंग में 3 टाइप के लॉजिक आएंगे. वन इज़ अ ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल क्रिटिकल एंड एनालिटिकल. ये आपका गेम चेंजर होता है. दिस इज़ द टफेस्ट सेक्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपके अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ठीक है, ऑल दो लास्ट ईयर में इसके क्वेश्चन कम थे, बट आइडली लॉजिक में ये एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. उसके बाद आपका ट्रेडिशनल लॉजिक, ट्रेडिशनल लॉजिक में ये सारे टॉपिक आएंगे, और इसको लेके आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड में सॉल्व करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप स्कोर भी करोगे और आपका टाइम भी बचेगा. वर्बल क्रिटिकल में मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड, तो आपका इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए. मैक्सिमम स्टूडेंट ये टॉपिक छोड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. एंड लास्टली एनालिटिकल को लेके आपको अप्रोच पता होना चाहिए, हाउ टू डील विद द अरेंजमेंट, सो दैट यू शुड नॉट वेस्ट मच टाइम. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है लोगों का, बिकॉज समझ में नहीं आता कि अरेंज कैसे करना है डेटा को, तो वो आपको, सो दैट यू विल बी लर्निंग इन योर क्लास वेदर यू हैव ज्वाइन लाइव और क्लासरूम. इंग्लिश के अंदर वोकैब, आपके मैनुअल के बुक में जितने भी वोकैब दिया हुआ है वो गो थ्रू कर लो. ग्रामर, हैंडआउट्स डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल लो, इसके अंदर 4 to 5 ब्लैंक पेपर ऐड करो, एंड वॉच द वीडियो बेस्ड ऑन द ग्रामर. जो एक्स्ट्रा रूल्स मिल रहे हैं वो आप हैंडआउट्स में कंप्लीटली ऐड कर लो, सो दैट यू हैव अ प्रॉपर किट फॉर द ग्रामर. सो डेली बेसिस पे 10-10 मिनट दोगे तो भी नाउन किया आज, कल प्रोनाउन किया, एडजेक्टिव किया, एडवर्ब किया. सो लाइकवाइज विद इन 15-20 डेज आपको काफ़ी ग्रामर के रूल याद हो चुके रहेंगे. ऑल्सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस डेटा वाइल यू आर ट्रैवलिंग.
कॉम्प्रिहेंशन डेली का एक आरसी का प्रैक्टिस, ठीक है। तो 1 आवर आप इंग्लिश के लिए डिवोट कर रहे हो सारा वीडियो देखने के लिए, एक आरसी की प्रैक्टिस। आरसी भी बहुत इजी लेवल का आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो इंग्लिश को लेके अगर आपने वीडियो आपका देख लिया, मोर देन सफिशेंट है, आराम से 30 में से 20 प्लस का स्कोर बनेगा आपका। अब ये 25 प्लस भी लेके आ सकते हो अगर आप प्रो इन इंग्लिश हो। तो इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप फोड़ दोगे। अगर आपको ट्रिक पता है, यू कैन अंडरस्टैंड द डेटा, तो भी आपका स्कोर अच्छा आएगा। सो दोज आर फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सिर्फ ट्रिक्स टेक्निक ये इंग्लिश को लेकर सीखनी है, जो आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी। और जब आपका लेक्चर होगा उसमें भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। मतलब एक बार आपने वीडियो से सेल्फ स्टडी कर ली और लेक्चर में आपने क्विकली रिवाइज कर लिया इंग्लिश। उसके बाद आपका जी के सेक्शन, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। तो ये सारे टॉपिक स्टैटिक के, मेजर टॉपिक है आपके ये दोनों, एंड आपका पॉलिटी जिसको हम सिविक बोलते हैं, ठीक है, और ये करंट अफेयर्स। लास्टली लीगल। लीगल में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो आपके फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन प्लस लीगल जीके वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो सब आपके लेक्चर में कवर होंगे। और रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पोर्टल पे होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी देख के ख़त्म कर सकते हो लीगल एप्टीट्यूड। बट अगर आपका प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम को लेके अच्छे से नहीं हुआ है, यू वांट टू फोकस ऑन बोर्ड, तो इंग्लिश एंड जीके कंप्लीट करो, बाकी हम बोर्ड एग्जाम के बाद देख लेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट योर डैशबोर्ड एक्सेस वंस यू जॉइन दी एनी बैच लाइव क्लास और द क्लासरूम, या तो आपने सेल्फ स्टडी ज्वाइन किया हुआ है तो ये पूरा आपको वीडियो लेक्चर का एक्सेस मिल जाएगा। अभी मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ये वाला इंग्लिश, ठीक है। इसके पूरे वीडियोस ग्रामर रूल को लेकर के, फिर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ये सारे वीडियोस आपको गो थ्रू करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ, जंबल रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, काइंडली गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस। आराम से 5-6 घंटे में पूरा वीडियो देख के हो जाएगा आपका पूरा करिकुलम, ठीक है। और इंग्लिश को लेकर जो मैं हैंडआउट्स बोल रहा था, वो आपको इंग्लिश के सेक्शन में ग्रामर रूल पे जाना है। सो दिस इज व्हाट आवर 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल, इसको गो थ्रू करो। नाउन प्रोनाउन को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक्स्ट्रा ब्लैंक पेपर ऐड करके वीडियोस को देख के एक्स्ट्रा रूल्स जो मिल रहे हैं आपको उसको जॉट डाउन करो, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, बाकी आपका करंट अफेयर्स, दिस इज व्हाट द करंट अफेयर्स हैंडआउट्स, जैसे आपने मार्च मंथ का ओपन किया, ठीक है। सो ये हैंडआउट्स पहले गो थ्रू करना है आपको, उसके बाद वीडियो देखना है करंट अफेयर्स का। लाइकवाइज आपका स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में एज आई मेंशन पॉलिटी से चालू करो, बिकॉज यहाँ से लास्ट ईयर ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। सो या पॉलिटी, ठीक है। और इसका वीडियो पार्ट भी वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। सो ये करंट अफेयर्स का वीक वाइज वीडियो, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, जैन मंथ, वैसे हर मंथ को लेकर के। और वैसे ही आपको देखना है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के पॉलिटी के सारे वीडियोस, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में पहले वीडियो देखो, फिर हैंडआउट्स गो थ्रू करना। करंट अफेयर्स में उल्टा है, पहले हैंडआउट्स गो थ्रू करना, फिर वीडियो को देखना। इतना काम अपने को करना है प्री बोर्ड, और पोस्ट बोर्ड मिलेंगे अपन लेक्चर्स में, और पूरे सिलेबस को फटाफट प्रिपरेशन कर लेंगे। अगर आपका डेट पे, अगर आपका एग्जाम ऑन टाइम भी होता है 1 अप्रैल को, तो भी 6 आवर की स्टडी हम करेंगे एंड वी विल फिनिश द कंप्लीट सिलेबस। बट उस केस में भी आप काफ़ी विन विन सिचुएशन में रहोगे, बिकॉज आपने दो जो कोर सेक्शन है वो ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर लिया है। सिर्फ आपको लॉजिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लीगल गो थ्रू करना है, दैट्स ऑल। सो ये बिल्कुल भी टेंशन में मत लो कि कैसे होगा, बोर्ड एग्जाम के बाद भी कम दिन बच रहा है तो कैसे लेक्चर्स कवर करेंगे, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, डोंट नीड टू वरी। सो अभी के लिए आप प्री बोर्ड वाला जो प्रिपरेशन है उस पर ध्यान दो, और आपके बोर्ड एग्जाम्स पे। और नियर बाय कोई भी कोचिंग आपके है, या तो आपने मेन्यूअर ज्वाइन, अगर या तो फिर आपको मेन्यूअर ज्वाइन करना लाइव क्लास क्लासरूम, तो आप ज्वाइन करके सारे एक्सेस ले लो। दिस इज़ व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड डू नाउ, ओके। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट। ग्रेजुएशन का जो अपना बोर्ड का एग्जाम है उसके पहले क्या क्या काम कर लेना है, और जो पोस्ट योर ग्रेजुएशन एग्जाम बोर्ड का एग्जाम है उसके बाद क्या क्या काम करना है। देखो, ये दो सेक्शन हर साल गेम चेंजर होता है, इंग्लिश एंड जीके। 70-80% जनता का स्कोर यहाँ पे नहीं आता है, बिकॉज हम तो लास्ट में पढ़ेंगे। इंग्लिश और जीके लास्ट में पढ़ने वाला सेक्शन है ही नहीं। तो अगर आप मेरा वीडियो आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, इसको आज से ही चालू कर देना, ठीक है। इंग्लिश में मैंने ऑल टाइम बताया हुआ है कि आपको न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट, द हिंदू का पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज, ठीक है। ये आपका पेपर है, तो इसका पेज 1, जैसे जो भी न्यूज़ है, और मतलब पेज 1 पढ़ने में आपको 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, एडिटोरियल 45 मिनट्स, 1 घंटे का टाइम। उसके बाद आपका ग्रामर 15 मिनट, ये 1 आवर। उसके बाद वर्ड पावर मेड इजी, वो कैब वाले क्वेश्चन भर भर के आने वाला है, तो 25 मिनट्स यहाँ पे। एक आरसी का प्रैक्टिस 15 मिनट। तो ये पूरा करिकुलम 2 घंटे का जाने वाला है, डेली 2 घंटा अपने को ये काम करना है। तो इससे आपका जीके, न्यूज़ पेपर रीडिंग से जीके भी प्रिपेयर हो गया, करंट अफेयर्स, और आपने इंग्लिश पे भी काम कर लिया। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन।
तो भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट फ्लंक होते हैं, स्पेशली दोज हुआ डू नॉट हैव अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो दोज हुआ फ्रॉम वर्नाकुलर हिंदी मराठी गुजराती मीडियम, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपका स्कोर इंग्लिश में नहीं आएगा या तो नहीं आ सकता। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आपने ग्रामर पे काम किया, आपने वोकैब पे फोड़ा है, तो डेफिनेटली यू कैन हिट गुड स्कोर, ठीक है। जीके 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, आधे से ज़्यादा जनता को पता नहीं है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मैं आगे बता दूंगा आपको, बट अभी के लिए मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी दे दे रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है, आई विल गाइड यू फर्दर। तो इंग्लिश का तो मैंने बता दिया, प्लस इंग्लिश का ये डैशबोर्ड का एक्सेस जो मैंने बताया, आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन किया हो, अगर आपने मैनुअल लाइव क्लास क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, तो वीडियो लेक्चर से आपका इंग्लिश का पार्ट खत्म करो, इंग्लिश पूरा वीडियो देख के खत्म करो, एंड जो आपको बुक मिली है उसके क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म करो, ठीक है। जब आपका लेक्चर होगा लाइव क्लास एंड क्लासरूम जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप उसमें रिवाइज करोगे पूरा इंग्लिश, एक बार आपने खुद से पढ़ा है और एक बार आप लेक्चर में रिवाइज करो, मतलब दो बार इंग्लिश अपना अच्छे से हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी वर्ड पार मेड इजी में, क्योंकि वो कैब करना है, वो कैब देर आर लैक्स ऑफ वो कैब, सबका मतलब याद हो नॉट पॉसिबल, तो आपको ये बुक तो करनी ही पड़ेगी अगर वो कैब में स्कोर लेके आना है। तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन वो कैब बेस्ड होंगे, चाहे वो एंटोनियम सिनोनियम्स हो जाए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए, मिस स्पेल हो जाए, एनीथिंग, ठीक है। जीके में एक तो स्टैटिक है और दूसरा है करंट अफेयर्स। स्टैटिक को लेके हमने हैंडआउट्स दिया हुआ है आपको, एंड वीडियो दिया हुआ है, और बुक तो है ही आपके पास। तो मेरा पहला कंसर्न है कि स्टैटिक को लेकर पहले जाके सारे वीडियो देखो, पॉलिटी से चालू करना, बिकॉज लास्ट ईयर भर भर के क्वेश्चन पॉलिटी के आए थे करंट अफेयर्स जीके में, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स देखो, उसके बाद जाके पॉलिटी का हैंडआउट उठाओ एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। एक बार ये हो जाए, फिर बुक का जो आपका पॉलिटी वाला पार्ट है इतना ख़त्म कर लो। बट अभी मेरे से पूछोगे सर इतना कर लिया तो हो जाएगा क्या, सफिशिएंट है क्या, मेरा आंसर है नो। जीके में सफिशिएंट कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई इसके साथ एक रेफरेंस बुक और दे रहा हूँ मैं, दैट इज़ नथिंग बट लूसेंट, ये आपको करनी है। अब ये मैंने लास्ट में रखा हुआ है, पहले इतना कर लो, इतना कर लिया तो काफ़ी डिसेंट लेवल पे पढ़ाई अपनी हो गई है। ये एक्स्ट्रा अपन पढ़ेंगे, सो दैट आउट ऑफ 40-30 प्लस तो अपन आराम से हिट करें इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। 30 प्लस जो हिट करे, आई मीन उसको तो अपन बोलेंगे प्रो है बंदा, ठीक है, मतलब आता है बहुत अच्छे से जीके, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आपके पास हैंडआउट्स हैं, वीडियोज़ हैं, राइट। बाकी आप न्यूज़पेपर रीडिंग तो कर ही रहे हो, तो डिसेंट लेवल पर कवर हो रहा है अपना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को लेकर पहले हैंडआउट्स आपको गो थ्रू करना है, उसके बाद वीडियोस, और कोशिश करो कि फर्स्ट 6 मंथ का हैंडआउट्स करंट अफेयर्स पहले हंट करो। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जैन मंथ, ठीक है ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना, और जैन मंथ पकड़ लो, तो अपन दो दो महीने का उठाते हैं। पर भी कोशिश करो आपकी 1 मंथ का करंट अफेयर्स आपके पास, अभी 4 महीने का टाइम है, रफली कितना है, फैब मार्च अप्रैल का टाइम, 90 डेज, और आपके पास 20 डेज इधर बचा हुआ है, विच इज़ नथिंग बट 110 डेज रफली, ठीक है। तो अपने पास 10 वीक्स से तो ज़्यादा ही है, तो एक एक मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे तो भी अपन एक साल का करंट अफेयर्स आराम से कर लेंगे। एक साल का करंट अफेयर्स सेफर साइड है, मेजर क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट 6 मंथ से, उसके बाद थोड़े और क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट 9 मंथ से, 3 महीना और ऐड कर लो, उसके बाद 3 महीना और एक साल, तो एक साल तक का करंट अफेयर्स सेफर साइड है, ठीक है। तो ये आपको ये डैशबोर्ड से इतना काम करना चालू कर देना ही, अगर ये काम अपने अभी से चालू कर दिया तो मतलब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है इस वाले एरिया में, लीगल एंड लॉजिक में, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको मतलब जो लेवल पे हम पढ़ेंगे, मतलब आपका बहुत अच्छा स्कोर बनेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। लॉजिक को लेके एंड लीगल को लेके, सारे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, ट्रेडिशनल को लेकर शॉर्टकट्स, एवरीथिंग वी विल बी लर्निंग। सेम गोज टू द लीगल, लीगल में तो जो पढ़ाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ लीगल जीके थोड़ा सा ऐड करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर लीगल जीके दे आर आस्क, ठीक है। तो इसकी इसको लेके टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बट अगर आपके पास टाइम है तो लीगल के भी सारे वीडियो देख के ख़त्म करो इफ़ यू हैव अ टाइम, अदरवाइज आपका लेक्चर्स के साथ तो वो ग्रेजुअली हो ही जाएगा। मेरा प्रॉब्लम है ये दो सेक्शन, बिकॉज यहाँ पे जीके में कितना भी पढ़ाऊंगा इट इज़ नॉट सफिशिएंट। इंग्लिश में इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द डेटा तो फिर कितने भी लेक्चर अटेंड कर लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इतना काम अपने को करना है इन टर्म्स ऑफ दी प्रिपरेशन। पहली बात तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि 100 दिन 120 दिन बचा हुआ है तो इसमें पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं, प्रिपरेशन हो पाएगी कि नहीं, 100% प्रिपरेशन हो जाएगी ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रोवाइडेड आप कितना सीरियसली लेते हो, आप कितना सीरियसली प्रिपेयर करते हो, कितना हार्डवर्क करते हो, उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, 110 डेज का टाइम बचा हुआ है अपने पास, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सो दैट वी कैन कन्वर्ट GLC एंड ILS पुणे कॉलेज। And yeah, share this video to all your friends, those who are targeting for the same, so that they should also be benefited from this video. All the best. Thank you.